एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो आज की वीडियो होने वाली है एक हेयर केयर वीडियो। सो यू नो विद द स्टाइलिंग आई एम श्योर मतलब बहुत सारे लोगों को अपने बालों को स्टाइल करना पसंद आता होगा। जैसे मुझे मेरे बालों को कर्ल्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली अपने बालों को कर्ल करती रहती हूँ। सो आई एम श्योर मेरी तरह आप लोग भी कुछ ना कुछ स्टाइलिंग करना पसंद करते होंगे। सो विद द स्टाइलिंग उसके बाद पोल्यूशन एंड हार्ड वाटर, स्पेशली हियर इन दिस प्लेस जहाँ पर मैं रहती हूँ ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर आता है जिसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो काफ़ी डल हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है कि मेरे बाल ऑफ लेटली काफ़ी डल एंड ड्राई फील कर रहे हैं। ऊपर से स्ट्रेस, ये सब चीज़ें आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा डल बना देती है। बैडली वॉन्टेड टू गो फॉर अ हेयर स्पा बट यू नो अभी इतना सारा घर में काम चल रहा है और बाहर जा करके बालों में ट्रीटमेंट करवाना या पार्लर में जा करके घंटों तक बैठना वो अभी मैं टाइम अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा मैं घर पर ही कुछ करती हूँ। सो आई रिसीव दिस प्रोडक्ट्स फ्यू डेज बैक। तो ये है गार्नियर फ्रूक्टिस का नरिशिंग बनाना हेयर फूड मास्क। श्योर यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई वी नीड अ मास्क। तो हेयर मास्क आर वेरी पोटेंट ट्रीटमेंट लाइक हाई पावर्ड कंडीशनर्स जो कि आपके बालों को डीप में जाकर के ट्रीटमेंट, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मॉइस्चराइजेशन देता है आपके बालों को, आपके बालों का शाइन जो है ना वो रिस्टोर करता है, आपके बालों को स्मूथ, शाइनी एंड बाउंसी बनाता है। इस मास्क को मैं यूज कर चुकी हूँ और मुझे ये मास्क इतना ज्यादा पसंद आया है। सबसे बेस्ट पार्ट इस मास्क की ये है कि आप इसको 3 वे से यूज कर सकते हो। तो इसको जब जब भी मैं यूज करती हूँ ना, मेरे बाल एक तो ऐसे चंपू चंपू से नहीं हो जाते हैं, दे लुक वेरी यू नो बाउंसी, हेल्दी और शाइनी लगते हैं, काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है दैट आई हैव डन सम काइंड ऑफ अ स्मूथनिंग ट्रीटमेंट। सो ये चीज मुझे इसकी बहुत ज्यादा पसंद है। जो बनाना हेयर फूड मास्क है, ये मास्क बना हुआ है 98% नेचुरल ओरिजिन से। सो इट इज एज क्लोज टू नेचर एज पॉसिबल। इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट हैज नो सिलिकॉन्स, पैराबेन्स एंड सल्फेट एंड दिस इज अ वीगन प्रोडक्ट एज वेल। ये जो मास्क है ये 4 अलग अलग वेरिएंट में अवेलेबल है। एक है नरिशिंग बनाना हेयर मास्क जो कि ड्राई हेयर के लिए है, उसके बाद रिपेयरिंग पपाया हेयर मास्क है जो कि डैमेज हेयर के लिए है, फिर क्वेंचिंग एलोवेरा हेयर मास्क है जो कि नॉर्मल टू ड्राई हेयर के लिए है, फिर स्मूदिंग मैकेडेमिया है फॉर फ्रिजी हेयर। तो मेरे जो हेयर का कंसर्न करंटली चल रहा है इज बेसिकली मेरे बालों में थोड़ा ड्राइनेस ज्यादा बढ़ गया है। जो मैंने वेरिएंट जो मैं यूज कर रही हूँ वो है ये बनाना वाला वेरिएंट। तो बनानाज आर नोन टू गिव इंटेंस नरिशमेंट टू योर हेयर। तो बेसिकली जो मास्क है ये पूरा वैसे ही है। अभी आप बनाना को मैश करो और पूरा वो हेयर मास्क बनाना इस बहुत लंबा एंड क्योटिक प्रोसेस हो जाता है और वो बहुत मैसी भी होता है। बालों में जो बनाना होता है वो चिपक विपक जाता है तो उसको निकालना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो दिस इज लाइक अ बनाना मास्क ओनली। आप इसको लगाओ, विद इन 1 मिनट में आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलता है, आपके बालों को ये एकदम सॉफ्ट एंड हेल्दी बनाता है। तो इस मास्क का बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको 3 तरीके से यूज कर सकते हो। आप एज अ कंडीशनर यूज कर सकते हो नॉर्मल डेज में, जब आपको बहुत जल्दी है तो आप फटाक से 30 सेकेंड्स लगाओ और आप एज अ कंडीशनर आप यूज कर सकते हो। एंड आपको कुछ स्पेशल एंड कुछ अच्छा पैम्पर करना है अपने बालों को तो आप 1 मिनट तक के लिए इसको लगा के रखिए। एज अ मास्क की तरह आप यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको लीव इन की तरह यूज कर सकते हैं। आपके बहुत बाल फ्रिजी हो रहे हैं तो आप इसको बस लगा करके छोड़ दीजिए। मैंने काफी एड्स वगैरह में तो देखती थी, बाहर की कंट्रीज में ये काफी फेमस प्रोडक्ट है। सो नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि ये इंडिया में भी अवेलेबल है इजीली। इट्स लाइक अ गेम चेंजर प्रोडक्ट। नाउ आई विल टेल यू द प्रोसेस। सबसे पहले आप हेयर मास्क को यूज करने से पहले शैम्पू यूज कर लीजिए। सो मैंने यहाँ पर गार्नियर फ्रूक्टिस का नरिशिंग बनाना हेयर फूड शैम्पू लगाया था। शैम्पू करने के बाद जब आपके बाल सेमी वेट होते हैं तो आप ये मास्क लगाएंगे अपने बालों के स्ट्रैंड में अच्छे से मसाज करते हुए एंड इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद आप अपने बालों को नॉर्मल वाटर से रिंस कर लेंगे। एंड लुक एट द रिजल्ट, दिस इज व्हाट माय हेयर लुक्स लाइक। लव द फैक्ट कि ये काफी अच्छे बाउंसी लग रहे हैं। मतलब एकदम ऐसे काफी बाउंसी, मैनेजेबल एंड सॉफ्ट एंड काफी हेल्दी लग रहे हैं। एंड आई रियली लाइक द बाउंस इन माई हेयर एंड येस डेफिनेटली शाइनी भी लग रहे हैं। सो दिस इज द रिजल्ट। आई टोटली लव्ड इट। आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विद दिस प्रोडक्ट एंड माई हेयर। काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ लग रहा है। आई कांट स्टॉप टचिंग माई हेयर एज वेल। यू डोंट नीड टू बाय अलग से कंडीशनर बिकॉज दिस इज 3 in 1 प्रोडक्ट। हर तरीके से ये काम करता है। सो एट दी एंड आई रियली लव दिस वेरिएंट बिकॉज एट दी एंड इट सॉल्व्स माई प्रॉब्लम ऑफ ड्राई हेयर और जो डल हेयर है वो। ये जरूर बताइएगा कॉमेंट करके कि आपके बालों का कंसर्न क्या है ना, आप कौन सा वेरिएंट परचेस करने वाले हो। लिंक जो है प्रोडक्ट का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। डू चेक दैट आउट। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो सुपर सून। इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। See you in my next video. Till then, bye.